माइनस 32 लिखे ना, इक्वल के पास वो एरर बता रहा था। तो उसका आप मुझे फोटो खींच के भेजना था, फोटो ले लेते उसका, आगे से ऐसा कोई तो उसका फोटो ले लिया करो। अब एरर भी नहीं पता तुमको, एरर क्या बता रहा होगा वो। हाँ मैं करके हाँ देखी, ए सिटी भी हाँ करके देखी, फिर भी नहीं हुआ। एक काम किया करो, अगर इस तरह का एरर आए ना वगैरह, अगर उनसे भी नहीं सॉल्व हो रहा तो मुझे वीडियो कॉल कर देते हो आप। ठीक है, बट वहाँ पे अलाउड नहीं है ना फोन, मतलब इसलिए। तो फोटो खींच के भेज दे करो मुझे। ठीक हाँ फोटो घिस के भेज दूंगी। आगे चले। ओके अब देखिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम इफ प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे। जैसे हमने क्या करा है, यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा आपका 19.cpp, वही हमने हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम। जूम पे सही आवाज आ रही है? कुछ आ रही है। हाँ नहीं है, मिथ्री एसटीडी आ इंटरनेट बॉडी। हमने क्या करा, इनके अंदर यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए, ए और बी। क्या ले ली? ए और बी। हमने सी आउट बी के अंदर यहाँ पे क्या करा, एंटर एनी टू नंबर, यहाँ पे हमने कोई भी दो नंबर एंटर कर दिए। ठीक है, इसके बाद पहला नंबर ए में स्टोर हो गया, दूसरा नंबर आपका बी में स्टोर हो गया। अब हमने बोला इफ यदि ए ग्रेटर देन है बी से, ए ग्रेटर देन है बी से, तो सी आउट में उसे उसे दिखा देना चाहिए ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए ग्रेटर है बी से। तो ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है, अब इसको रन करते हैं। जी प्लस प्लस एग्जाम्पल 19.cpp, ये प्रेस करके एंटर। तो देखो आपसे दो नंबर पूछा, मैंने एक में 21 डाला, एक में 3, तो यानी कि ए इज ग्रेटर देन है बी से, यानी कि ए बड़ा है बी से, जाहिर सी बात है। उसने काम किया क्या, जैसे दो नंबर इनपुट हुए, दो नंबर इनपुट होने के बाद में उसने यहाँ पे ये चेक करा ए की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 इज ग्रेटर 3, यस 21 ग्रेटर है 3 से, तो उसके लिए मैसेज आ गया ए इज ग्रेटर देन बी। क्योंकि यहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ना, ठीक है, कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड है तब तक वो चलेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। मान लो सपोज करो इस बार मैं यहाँ पे 3 and 21 डालता हूँ, अब ये जो 3 नंबर है ये कहाँ पे गया है, ए के अंदर। पहली वैल्यू किसके अंदर जाएगी बोलो, हेलो, यस सर। पहली वैल्यू किसके अंदर जाएगी, ये मैंने जो एंटर किया है 3, ये किस में जाएगा, ए में। क्या बोले, फिर से बोले। हाँ ये जो 3 वैल्यू है ये कहाँ पे जाएगी, ए के अंदर जाएगी बी के अंदर जाएगी, ए के अंदर, बी और जो 21 है वो कहाँ पे जाएगी, के अंदर। बी के अंदर। तो उसने फिर चेक करा क्या 3 greater than 21, 3 greater than 21, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 greater than 21 3 बड़ा है, नहीं नहीं होगा ना, ट्वेंटी होगा तो आउटपुट कुछ नहीं है आएगा, मान। कुछ नहीं आएगा आउटपुट, ठीक है ना, समझे। एक बार देखो बताइए इसको। हमने यहाँ पे डाला 23, फिर डाला हमने 10, अब ये 23 किस में गया है, यहाँ पे 23 किस में गया है, 23 अब गया ए में, और 10 टेन बी में, ये चेक हुआ उसके बाद। कहाँ पे। चेक होगा ना इफ के अंदर, इफ के अंदर चेक हो, चेक करो उसको। 23 इज ग्रेटर देन 10, 23 इज ग्रेटर देन 10, नहीं होगा। नहीं हो तो जाएगा भाई, ए की वैल्यू क्या है 23 है कि नहीं है, 23 बी की वैल्यू कितनी है 10 है कि नहीं है, तो 10। हाँ 23 बड़ा है बी से, 23 बड़ा है 10 से, 23 10 से बड़ा है। बताओ है कि नहीं है।
है तो क्या मैसेज आएगा, सी इज ग्रेटर देन। जब तक यहाँ बात उसकी सही है, जब तक यहाँ कंडीशन ट्रू है, तब तक वो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। देखो आगे, अगर छोटा हुआ, छोटा होने में इफ की, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक इफ का मैसेज प्रिंट होगा, वरना प्रिंट नहीं होगा। अगर मान लो मैं सपोज करता हूँ, अब बताइए आपके हिसाब से मैसेज प्रिंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं क्यों भाई? सर, एंटर होगा ना कि 98। हाँ 98 है ना। 98 ग्रेटर देन 12, तो ए इज ग्रेटर देन बी। नहीं, ए इज ग्रेटर देन बी सही है ना? नहीं समझ आ रहा, फिर से एक बार अच्छे से बताइए, प्रोग्रामिंग देखो भाई, देखो जाके बताइए पहले। मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, व्हाइट बोर्ड निकालता हूँ। व्हाइट बोर्ड कहाँ है उसका? व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड नहीं है व्हाइट बोर्ड। प्रोग्रामिंग जो बनाया है ना, उसी को समझाइए। अरे मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। देखो देखो, हमने क्या करा, कुछ वैल्यू ली, ए की वैल्यू ले ली और बी की वैल्यू ले लिया, ठीक है? तो फिर अब हम इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, ए ग्रेटर देन बी कर देते हैं। देखो ये वाला जो सिंबल है, ये वाला जो सिंबल है, ये तो है ग्रेटर देन का, ठीक है? ये सिंबल किसका है? लेस देन का है। ये ग्रेटर सिंबल, देन। हाँ ये वाला सिंबल किसका है? ये है ग्रेटर और इक्वल, ठीक है? ये वाला जो सिंबल ग्रेटर है, इक्वल। हाँ लेस और इक्वल, इक्वल। ठीक है? ये किसका है? इक्वल, इक्वल ठीक है? इक्वल। हाँ और ये किसका है? नॉट इक्वल। इतनी बात समझ आ गई? अब यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे जैसे कोई वैल्यू ट्रू है, तो ट्रू होने पर ये वन रिटर्न करता है और फॉल्स होने पर ये रिटर्न करता है जीरो, ठीक है? अब हमने यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे देखो कितना लिया है, ए का वैल्यू यहाँ कितना है? 3। बी की वैल्यू क्या है? 2। तो अब हमने यहाँ पे क्या चेक करा? ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी। अब ए की वैल्यू चेक करो क्या है, बी की वैल्यू क्या है? क्या 2। 3 बड़ा है 2 से? बड़ा तो नहीं है ना? नहीं, पक्का? 3 2 से बड़ा नहीं है। नहीं है, नहीं है। 3 बड़ा नहीं होता 2 से, 3 छोटा होता है 2 से। 3 बड़ा बड़ा है, होता है 2 से। हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 3 बड़ा है कि नहीं है 2 से? 3 बड़ा है 2 से। हाँ कैमरा ऑन करो, अभी बताता हूँ तुम्हें। कैमरा ऑन करना एकदम, आइए एक बार जरा। हेलो, कैमरा यस ऑन करो। सर। 3 बड़ा है कि नहीं 2 से? है अभी तो आप छोटा गिर रहे थे। अच्छा नहीं, अगली मैं कंफ्यूज हो गई थी ना, मुझे इसलिए। बताइए, 3 बड़ा है 2 से या नहीं? तो सर 3 बड़ा है 2 से। पक्का ना? देख लीजिए, कंफ्यूज हो रहे हो आप, बहुत ज्यादा कंफ्यूज। आप 3 और 2 में पता नहीं लगा नहीं पा अब रहे कि कौन बड़ा है। सर पता है, लगा ली एक्चुअली। लगा लिया? मैं ना ग्रेटर देन और लेस देन में थोड़ा कंफ्यूज थी, मतलब मेरे को पता है। ओके, तो ये पता लगे ना कि 3 बड़ा है 2 से? पता है। जब जब 3 बड़ा होगा 2 से, तो वो आंसर ट्रू होगा कि फॉल्स होगा?
होगा। ट्रू होगा, और ट्रू होने पर हमेशा इफ काम करता है। यदि वो ट्रू है, यदि वो ट्रू है, यदि वो ट्रू है तो इफ चलेगा। इफ इज एग्जीक्यूट, इफ एग्जीक्यूटेड, इफ एग्जीक्यूटेड, इफ एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूटेड का मतलब इफ के अंदर जो लिखा है वो प्रिंट होगा। और इफ के अंदर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इफ के अंदर ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी लिखा हुआ ना, नहीं लिखा हुआ है। भी लिखा अब देखो, सलेस अगर देन लिख। अगर मान लो, सपोज करो, अच्छा हाँ। सपोज करो मैं इसको रन करता हूँ, मैंने 3 एंटर करा फिर 2 एंटर करा, तो मैसेज क्या आना चाहिए? सर वन आना चाहिए, 1 तो आना चाहिए, लेकिन 1 तो मतलब आएगा ट्रू वन ऑन ट्रू, यानी कि मैसेज प्रिंट होगा कि नहीं होगा। ट्रू है। होगा होगा। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो मैं इसको दोबारा रन करके 2 और 3 एंटर करता हूँ, तो मैसेज प्रिंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा क्लियर। प्रिंट। अगर मैं दोबारा रन करके अगर मैं 12 एंटर करता हूँ, 34 एंटर करता हूँ, तो मैसेज प्रिंट होगा कि नहीं होगा? 12 और 34। 12 और 34 मैंने एंटर किया, मैसेज होगा प्रिंट? होगा नहीं देख नहीं लीजिए, होगा। नहीं होगा। अब क्लियर हो गया? हाँ हो कैमरा गया। कैमरा बंद कर। और सर अगर यहीं पे लेस देन होगा, मतलब अगर लेस देन हो तो होगा ना। हाँ, अगर लेस देन वाला मैंने सिंबल लगाया, कैमरा बंद कर लो। हो गया। हाँ क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ हो गया। हम मैं अगला कोड बनाता हूँ। अच्छा पहले मैं इसको सेव कर लेता अच्छा हूँ। थैंक यू। मैन बॉडी, इंट के अंदर हमने ए और बी ले लिया, सी आउट के अंदर एंटर एनी टू नंबर। नंबर सीन, यहाँ पे क्या कह देंगे, ए और बी, ठीक है। और हमने कहा इफ ए लेस देन बी, तो इसके लिए क्या मैसेज लिखा जाएगा, ग्रेटर या लेस देन? ए इज लेस लेस देन देन। बी, रन कर। जी प्लस प्लस, अगर मान लो मैं यहाँ पे 21 डालता हूँ और यहाँ पे 33, तो मैसेज क्या आना चाहिए, प्रिंट होगा कि नहीं होगा? होगा सर प्रिंट क्या क्या प्रिंट होगा? ट्रू ट्रू। नहीं, प्रिंट क्या होगा, इफ के अंदर क्या लिखा हुआ है? ए लेस देन बी। तो ये बोलो ना, 1 केस आ जाएगा, 1 तो वो इंटरनल रिटर्न करेगा, लेकिन हमने 1 की जगह मैसेज लिख दिया ना। अगर मान लो सपोज करो अब मैं तो 21 34 डाल, अगर 21 और 3 डालता हूँ तब क्या आएगा? सर 3 आएगा। नहीं, मैंने ए की वैल्यू क्या एंटर करी, 21, बी की वैल्यू एंटर क्या करी, 3। फिर इसने क्या चेक करा, क्या 21 छोटा है 3 से? 21 छोटा है 3 से? नहीं नहीं है। तो चलेगा इफ नहीं चलेगा, फॉल्स हो गया ना, तो फॉल्स हो गया ये तो। नहीं चलेगा। समझ में आ गया? अगर मान लो मैं यहाँ पे 21 डालता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ 34, क्या 21 छोटा है 34 से? छोटा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो चलेगा इज लेस देन बी। सर। तो हाँ, जो इफ है, इफ सिर्फ ट्रू के लिए चलता है, फॉल्स के लिए नहीं। नहीं चलता ये, इफ हमेशा ट्रू के लिए चलता है, ये समझ जाइए ना। तो जब इफ ट्रू, अगर जब रन करेंगे तो आंसर में क्या आएगा।
आंसर में जो हम इफ के अंदर लिखेंगे वो आएगा, अगर कुछ फॉल्स हो गया तो नहीं कुछ भी नहीं आएगा। देखो अगर मान लो मैं इसको रन करता हूँ, मैंने यहाँ पे 34 डाल दिया, यहाँ पे 12 डाल दिया, तो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है बताइए। कंडीशन सर ट्रू होगा। कैसे भाई? यहाँ देख के देखो ना भाई, ए की वैल्यू आप 24 एंटर कर रहे हो, बी की वैल्यू 12 एंटर कर रहे हो, तो आपने यहाँ कंडीशन क्या लगा दी, 24 लेस देन बी, तो यह कंडीशन सही है, ट्रू है सर क्या? ट्वेंट फॉल्स। फॉल्स होगी ना, तो फॉल्स होगा तो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, आगे स्टॉप हो जाएगा वो। ओके अगर मान लो मैं यहाँ पे 21 डालता हूँ या 56 डालता हूँ, क्या 21 छोटा है 3 से, 56 है, छोटा है, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? अब चलेगा चलेगा। हो गया क्लियर? हो गया। नेक्स्ट कोड देखो। मिनट के अंदर ए और बी ले लिया, प्योर के अंदर हमें क्या करा, मतलब द फर्स्ट जब मैंने सी आउट के अंदर यहाँ पे करता हूँ, मतलब द सेकंड नंबर सेम वो हमने बी में स्टोर कर दिया, फिर हमने चेक करा इफ बराबर है बी के, तो सी आउट में दिखा दे ए एंड बी आर और इक्वल। अब देखिए, अब देखना है बहुत ध्यान से, इसमें इसको कंपाइल करते हैं, G++ एग्जाम्पल 21.cpp, फिर हमने यहाँ पे 21 और 23 डाला, अब बताइए क्या प्रिंट होगा, कुछ प्रिंट होगा कि नहीं होगा, कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? फॉल्स सर फॉल्स होगा। होगा क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? अगर कुछ हमने भी मान नहीं लो आएगा। 21 21 डाला तो अब क्या आएगा मैसेज? सर ट्रू आएगा अब हो गया क्लियर? क्योंकि दोनों इक्वल है ना। हाँ दोनों इक्वल है, हो गया। ठीक है। इसी तरह से फिर आप एक और कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल 22 एस इंक्लूड एस पी एस पी एस, कमेंट के अंदर ए और बी ले लिया, मैं सी आउट के अंदर यहाँ पे क्या करा, एंटर द फर्स्ट नंबर सेम ए के अंदर, फिर सी आउट में एंटर द सेकंड नंबर सेम वो हमने डाल दिया बी के अंदर। अब हमने चेक करा कि इफ ए ग्रेटर देन बी, तो सी आउट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। अब ये क्या करेगा, या तो ग्रेटर करेगा चेक या फिर करेगा इक्वल, दो जब दोनों ऑपरेटर एक साथ लग जाते हैं ना, तो उन दोनों में से एक काम करेगा, या तो ग्रेटर चेक करेगा या फिर क्या चेक करेगा, इक्वल। इक्वल। रन करें, सपोज कीजिए मैंने 23 डाल दिया और 12 डाल दिया, तो मैं कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स सर ट्रू होगा। है? अगर मान लो मैंने 10 10 डाल दिया, फिर इक्वल। ट्रू है, ठीक हाँ सर ट्रू है। है। अगर मान लो सपोज करो मैंने डाल दिया 12 और 21, अब क्या होगा? सर फॉल्स होगा। क्लियर हो गया आपका कॉल, ठीक। इसी तरह से आप बना सकते हो लेस देन और इक्वल टू, ठीक है? ये वाला मैंने कौन कौन से बना दिए, ओके ग्रेटर ग्रेटर वाला बना दिया, लेस वाला बना दिया, ग्रेटर और इक्वल टू बना दिया, इक्वल वाला बना दिया,
लेस इक्वल और नॉट वाला अपने आप बनाओगे। ओके, लेस इक्वल और नॉट इक्वल ना. ठीक है, अब ठीक आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद इफ एल्स। क्या पढ़ेंगे? इफ एल्स। ये हमेशा, हाँ, ये हमेशा ट्रू होने पर चलता है। क्या चलता है? ट्रू होने पर चलता है। कौन होने पर कौन? इफ। इफ इफ. हमेशा, ठीक है, के बार ऐसा हो जाता है कि इफ के पास क्या आ जाता है? फॉल्स आ जाता है। क्या आ जाता है? फॉल्स। फॉल्स. तो फिर क्या चलता है? वो एल्स चलता है। अगर इफ नहीं चलेगा तो कौन चलेगा? एल्स चलेगा। एल्स. समझे? ठीक है, अगर मान लो इफ ट्रू हो गया तो चलना ही चलना है। हाँ, अगर अगर इफ फॉल्स हो जाता है, क्या हो जाता है? इफ फॉल्स हो जाता है तो फॉल्स होने पर एल्स. एल्स एल्स चलता है। क्या चलता है? एल्स। अब देखो देखो कैसे। धर्म ने ये और भी लिया, हमने सी आउट कर दिया यहाँ पे। एंटर द फर्स्ट नंबर, सी ये आउट। बी, अब हमने क्या करा? इफ यदि ए ग्रेटर देन है बी से, तो सी आउट में लिखा हुआ है मैंगो, वरना सी आउट में क्या लिखा हुआ आएगा? ऑरेंज। अब मैं आपको चेक करूंगा, आप ओके बताना आप क्या आएगा मैसेज, ठीक है? जब मैं वैल्यू डालूं तो आपको आइडिया लगाना है। ओके. क्या आएगा मैसेज? इफ वाला चलेगा एल्स हमने वाला वैल्यू चलेगा? डाला इसमें, हाँ, वैल्यू डाल दिया, देखो रन हो वैल्यू रहा है। डाले हैं कि नहीं. हाँ वैल्यू डाल दिया, ये रहा। ओके, ए की वैल्यू 23 ट्वेंटी डाल दी। थ्री और 34 ना. तो तो इसमें क्या है? आएगा ऑरेंज. ऑरेंज. अब क्या आएगा? आपने सिर्फ 12 डाला ना इसमें, 12 और 3. इसमें आएगा मैंगो. क्लियर हो गया? हो गया. ओके, हम इसमें और भी कर सकते हैं कोड। अब हमने कहा इफ ए ग्रेटर देन बी, तो सी आउट में हमने लिख दिया इज ग्रेटर देन बी, वरना एल्स में सी आउट में यहाँ पे लिख दिया हमने इज ग्रेटर देन बी। तो अब बताना है आपको क्या आएगा इसमें मैसेज। अब बताइए क्या आएगा? एक ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन है कि लेस देन ग्रेटर है वो। है. ओके, इसमें आएगा ट्रू. आएगा मतलब इफ इफ ट्रू आएगा. ट्रू तो क्या आएगा वो? क्या लिखा हुआ आएगा इफ के लिए? ट्रू तो आएगा। आएगा क्या लिखा हुआ? जब इफ चला तो क्या लिखा हुआ बी इफ पर? आएगा. बी देख लो एक बार ध्यान से, देख लो भाई, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ वैल्यू के अकॉर्डिंग। कंडीशन ट्रू है. वैल्यू और ट्रू होने पर इफ के अंदर क्या लिखा हुआ पढ़ना? अकॉर्डिंग सी आउट में. सी आउट में क्या लिखा हुआ इफ के अंदर? सी ओपन। ए इज ग्रेटर देन बी. तो पहले क्यों गलत बोल लेते हैं? अब बताइए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
भाई ए तो बड़ा है ना और बी मैं से, आ ए रहा। तो बड़ा है ना बी से, ये तो बीस बड़ा में है समझे। अगर मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पे डाल दिया 21 डाल दिया और आगे डाल दिया 56, अब क्या मैसेज आएगा? अब आएगा बी इज ग्रेटर देन ए। पहले वाला सही था, अब सही है कोड। पहले वाला तो फॉल्स होने पर, पहले तो पहला वाला फॉल्स। कुछ क्या? हेलो, हाँ बोलिए। 1 मिनट 1 मिनट वन, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आ रही है। अब समझ आया तुम्हें कोड? भाई पहले फॉल्स होने पर कुछ भी नहीं हो रहा था, अब फॉल्स होने पर बी के लिए तो मैसेज आ रहा है ना भाई, ये नहीं बड़ा हाँ आ होगा, ए नहीं बड़ा है तो बी तो बड़ा है। भी बड़ा है। वाजिद, इसे ठंड लग रही, कहाँ पर पंखा बंद कर दे, फिट करेगा कैसे बीमारी से, पैर कहाँ पर इसके, पंखा चला के बैठ जा। अब इसका दूध कौन? तो हो गया क्लियर? क्या बनवा सर हो रहा गया क्लियर। है? तो किस टाइम हो खाएंगे गया हो रोटी? गया। किस टाइम खाएंगे? अच्छा अभी इतना ही कर दिया, खाने में क्या खा लेंगे फिर? खाने में क्या खा लेंगे जी? हो गया क्लियर? यस सर हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर ये समझेंगे अपन। सपोज करो मैं कहना चाहता हूँ, सपोज करो एक एम्प्लॉई है, क्या है, एक एम्प्लॉई है, उस एम्प्लॉय। एम्प्लॉई की हम एज डालेंगे, क्या डालेंगे, एज। और एज हमने मान लो सपोज करो उसकी डाल दी हमने 19, कितनी डाल दी, 19। नाइनटी। तो अब ये देखेंगे ये वोट डाल सकता है कि नहीं डाल सकता, वोट को पुट कर सकता है या नहीं कर सकता है, वोट को एंटर कर सकता है कर कि नहीं सकता है क्योंकि कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी एज किससे ग्रेट किससे ग्रेटर होनी चाहिए, या तो 18 से इक्वल या 18 के इक्वल, यही तो होता है ना। ये होता तो कंडीशन तो ये लगाएंगे, पहले हमें क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी, एज की वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। है। एज की वैल्यू जैसे हमने एंटर कर दी है, जैसे ही हम एज की वैल्यू एंटर करेंगे तो अब हम एज को चेक करेंगे, एज किससे ग्रेटर होनी चाहिए, 18 से, एटीन से तो वोट एंटर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। नहीं वरना नहीं कर सकता। सर कर सकता है। अगर 18 से नीचे हो फिर तो नहीं कर सकता ना, नहीं 18 से नीचे होगा तो नहीं कर सकता। तो वही कोड बना रहा था तुम, आई स्ट्रीम इंस्टाम। उसके बाद हमने क्या करा, यूजिंग नेम स्पेस, वो सारी इसे आवाज लेके कम करिए, छीन ले इससे मोबाइल, यो ला मुझे दे दे इसका मोबाइल, ये दिए नहीं गई। हेलो हेलो, यस सर। ओके क्लास दोबारा से ज्वाइन कर लेना 5 मिनट के बाद में। अब देखो हमने क्या करा यहाँ पे, इंट मेन ए और बी, हमने सी एंटर द
की दुकान के बराबर नहीं, होगा। हम क्या करेंगे, एज वाला वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, एज वेरिएबल लेंगे। एज हमने क्या करा, सी आउट के अंदर एंटर द एम्प्लॉई एज, सिन हमने भाई एज की वैल्यू डाल दी। अब हमने क्या करा, वही इफ वही यदि एज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 18, तो हमें सी आउट के अंदर क्या कह प्रिंट करें, रहा उसके यू कैन एंटर, यू कैन एंटर द वॉल्ट, सैंतीस समझे। हजार अगर नहीं है तो हुआ यू कैन यस। नॉट एंटर द वॉट। नहीं अब इस कोड को हम चलाते हैं। बी सी सी एग्जाम्पल नहीं 25.cpp, और उसके बाद एंटर करा और हमने एज डाल दी कितनी, 29। तो बताओ क्या आना चाहिए, यू कैन एंटर द वोट या यू कैन नॉट एंटर द वोट। यू कैन एंटर द वोट। ओके, अगर हमने हम डाल दिया -10 तो क्या आएगा, धन्यवाद यू यू कैन कैन नॉट एंटर द वोट। नॉट एंटर अगर हमने डाल दिया 15, द वोट। यस समझ आ गया कोड। सर ओके, उसके आ गया। बाद अब हम चेक करेंगे इवन ऑड, क्या चेक करेंगे, इवन और ऑड। इवन ऑड को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे पास सपोज कीजिए एक नंबर है 6, क्या नंबर है, 6 है, सिक्स उस 6 का बताओ हम 2 से वन रिमाइंडर निकालेंगे, 2 3 6 हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अगर हम इसको लिखते हैं, जीरो मान लो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं नम की वैल्यू, अगर हम 6 लेते हैं, क्या लेते हैं 6, और हम आर सिक्स इक्वल्स टू, अगर हम नम को रिमाइंडर अगर हम 2 करते हैं, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेगा, 3 वैल्यू लेगा कि 0 वैल्यू लेगा। एक बार और बोलिए। देखिए हमने क्या करा, नम की वैल्यू कितनी है, 6 है ना, नम की वैल्यू क्या है, 6 है। हेलो, हेलो। नम की वैल्यू हाँ कितनी है, सर बोलिए। 6, नम की वैल्यू कितनी है, 6 है ना। जब हमने सिक्स। टू टू से 6 को डिवाइड करा, 2 से 6 को जब हम डिवाइड करते हैं, तो इस वाले वैल्यू, इस वाले ऑपरेटर के अंदर हमेशा ये वाली वैल्यू लेगा, रिमाइंडर वाली। ओके तो क्या ले लिया इसने, 0। वो 0 कहाँ पे स्टोर हो गया, जीरो आर के अंदर। अगर मान लो सपोज करो हम 7 लेते हैं, और 7 को हम 2 से करेंगे, 2 3 6, तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, सिक्स कि 1 आया, 0 आया, वन वन तो ये 1 कहाँ गया, आर के अंदर, कहाँ गया, आर के अंदर। आर के अंदर। और इवन नंबर की पहचान क्या होती है, इवन नंबर की पहचान ये होती है उसका रिमाइंडर ऑलवेज 0 होना चाहिए, उसका रिमाइंडर ऑलवेज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जीरो किससे, होना किससे चाहिए। डिविजिबल होने पर, 2 से डिविजिबल होने पर, 2 से। 2 से यदि डिविजिबल होने पर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इवन है, अगर 0 नहीं है तो वो कौन सा नंबर है, कोड नंबर है। कोड नंबर। अब कोड बनाए इसका, यस सर। 26.cpp hash include stream पार्क using name space std int के अंदर main body, बाथरूम में जाओ। हमने int के अंदर एक वेरिएबल ले लिया नाम और एक ले लिया।